क्या पढ़े थे कल हम लोग? कूलम्स लॉ के बारे में हो गया था ना। कूलम्स लॉ, व्हाट आर द कूलम्स लॉ? इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया सर कल। ओके, फिर इसके बाद देखो, ये तो क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। जब चार्ज किसमें रहेगा, एयर या वैक्यूम में। मीडियम के लिए क्या था बताओ, व्हाट वाज द फॉर्मूला? एप्सिलॉन आ जाएगा। ओके, तो मीडियम के लिए था एफ इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एफ डैश हो गया था। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? एप्सिलॉन R इक्वल टू एफ अपॉन एफ डैश, यही था ना, और एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन R को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक हो गया था मेरे ख्याल से कल। ओके, चलो तो अब आगे देखते हैं। एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन का नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखो, द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल चार्जेस चलो देखो यहां पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स F, फोर्स फाइंड करना है बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल। सेपरेटेड बाई डिस्टेंस गिवन है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ओके, चलो देखो यहां पर कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन, यहां पे फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है अपने को, फोर्स काउंट करना है बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल, यानी देयर इज वन अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज सेकेंड अल्फा पार्टिकल, दोनों अल्फा पार्टिकल है एंड दीज अल्फा, क्या हो गया, 90 न्यूटन आ रहे। ओके, देखते हैं, फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है तुम्हारा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। बाकी लोग चलो सॉल्व करो। तो अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, कौन बताएगा? अपना फॉर्मूला क्या होता है, सपोज Q1 ये है एंड दिस इज Q2 एंड दिस इज R, तो फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू K
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। यहां पर चार्ज Q1, Q1 कौन सा चार्ज है? अल्फा पार्टिकल है। कौन बताएगा व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? अंजलि बैस बताओ। +2 यानी +2E होता है, और E क्या है? E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तुम्हारा +2E है और ये भी +2E है। ओके अब चलो इसमें वैल्यू पुट करो, फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सॉल्व करो। चलो जल्दी से हर्षिता, क्या हो जाएगा? F इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू के? के का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है के का, बताया था मैं? क्यों अनुराग बताओ, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के? 9 × 10⁻⁹। तो के का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके Q1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2E, 2 × चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सिमिलरली Q2 भी हो जाएगा, Q2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू 2E। और R का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? ये है तुम्हारा 3.2 × 10⁻¹⁵ मीटर। ये सारे वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर, ये जो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। चलो पुट करने के बाद जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करो कितना आएगा। हर्षिता, आयुष, अनुराग, यदु, ये सब वैल्यू को यहां पुट करो। F इक्वल टू, ओके के का वैल्यू तुम्हारा हो गया 9 × 10⁻¹⁹ कितना होता है के का वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 10⁻¹⁹ इंटू Q1 हो गया तुम्हारा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों 2E है, अपॉन 3.2 × 10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर। ये सबको सॉल्व करोगे आंसर आ रहा है 90 न्यूटन। ये सबको सॉल्व करके कैलकुलेट करके कैंसिल करके देख लोगे आंसर क्या आएगा, 90 न्यूटन। ओके बन जाएगा ये? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल बताया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी इफ द चार्ज वन बॉडी इज कनेक्टेड टू द अदर बॉडी देन देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और अगर बॉडी आइडेंटिकल है यानी उसका शेप साइज सब सेम है तो इक्वल नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी अगर इसमें क्यू है और दोनों को कॉन्टेक्ट कर दिए, फर्स्ट वाला अनचार्ज था दूसरा में चार्ज क्यू था, तो कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? q/2। चलो वैसे ये क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल चार्ज ए एंड बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 50 cm। चलो देखो, देयर इज वन बॉडी ए एंड अदर बॉडी बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 50 cm। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले। ओके व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस गिवन ईच चार्ज हैविंग वैल्यू 6.5 × 10⁻¹⁵ कूलम। चलो बनाओ,
हर एक चार्ज का वैल्यू कितना है? 6.5 × 10⁻¹ कूलम है, यानी Q1 का वैल्यू भी कितना है? इतना ही है, Q2 का वैल्यू भी यही है, R का वैल्यू इतना है 50 cm, यानी 10⁻¹। किसका स्पीकर ऑन है ऑफ करो? 5.7 × 10⁻¹। बाकी लोगों को बनाने देना, बाकी लोग सॉल्व करो जल्दी। कितना आएगा? F = 9 × 10⁹, Q1 Q2 / R². यहां वैल्यू पुट करो फटाफट, जल्दी बताओ। ये दोनों चार्ज किसमें है? एयर या वैक्यूम के अंदर है, तो वैल्यू पुट करोगे 9 × 10⁹। Q1 कितना है? 6.5 × 10⁻¹, Q2 भी 6.5 × 10⁻¹ / R का वैल्यू है तुम्हारा 50 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ये सभी को सॉल्व करो, कैंसिल करो, कितना आएगा बता दो तुम्हारा, कितना है तेरा? 5.7 × 10⁻¹। नहीं नहीं बाकी और को बताओ जल्दी, कितना आया? 1.5 × 10⁻²। ये आएगा, इसको सॉल्व करके देख लो। ओके, ये हाँ बोलो, ये यहां तक आया कि नहीं समझ में, पहले ये बताओ। क्यों अंजलि? ओके, तो ये तुम्हारा आ जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर आर वैक्यूम, एफ का वैल्यू आया 1.5 × 10⁻²। ये तो फर्स्ट हो गया, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, और इस Q का वैल्यू कितना है? 6.5 × 10⁻¹ न्यूटन। अब चलो इसी में आगे क्या बोल दिया है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम हाफ। चलो बताओ, फॉर्मूला के फॉर्म में बताओ, दोनों स्फीयर का चार्ज डबल कर दिए, यानी पहले 2 था तो अब 2q कर दिए, इसका भी 2q कर दिए, और डिस्टेंस उसका जो r था उसको r/2 कर दिए, तो कितना टाइम फोर्स इंक्रीज हो जाएगा या कितना टाइम फोर्स डिक्रीज होगा, जल्दी बताओ। पहले अगर फोर्स F है तो अभी के फोर्स, पहले वाले फोर्स का कितना टाइम चेंज होगा, सॉल्व करो जल्दी से। पहले Q1 का वैल्यू भी Q था, Q2 का वैल्यू भी Q था, R का वैल्यू R ही था, अब Q1 का वैल्यू 2Q हो गया है, Q2 का वैल्यू भी 2Q हो गया, और R का वैल्यू R/2 हो गया, तो हाउ मेनी टाइम ऑफ फोर्स चेंजेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स, सॉल्व करो जल्दी से। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताना है, ये बताओ कि कितना टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा पुराने चार्ज से, पुराने फोर्स से, सॉरी। ओल्ड फोर्स कितना था? F = K, Q1 की जगह Q है, इन द प्लेस ऑफ Q2 Q R² दिस इज द ओल्ड फोर्स, और इसका वैल्यू आ गया था 1.5 × 10⁻²। व्हाट विल बी न्यू फोर्स F-? चलो बताओ, आयुष, अनुराग, यदु,
कैलकुलेट करो सर, सेम आ रहे। नहीं कैसे आएगा, सेम नहीं आएगा। और कोई दूसरा वेदांश? स्पीकर ऑफ कर अपना। तो अनुराग स्पीकर ऑफ कर, तेरा टीवी भी चल रहा है, बंद कर स्पीकर को। शाश्वत फोर टाइम। चलो देखो यहां पे के में कोई चेंज होगा क्या? नो, तो के का वैल्यू के रहेगा। क्यू के जगह क्या हो गया? टू क्यू। दूसरा वाला भी क्यू के जगह क्या हो गया? टू क्यू। और आर के प्लेस में क्या हो जाएगा? आर बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, तो व्हाट विल बी न्यू फोर्स? एफ डैश इक्वल टू के टू इंटू टू क्या हो गया? फोर हो गया, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई फोर होगा। अब बताओ आगे कितना टाइम होगा इंक्रीज? ये फोर ऊपर चला जाएगा, एफ डैश इक्वल टू क्या आया? 16 इंटू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है? एफ था, यानी एफ डैश इक्वल टू 16 एफ। समझ में आया कि नहीं? ओके, वेरी गुड, भूमिका पारक। और इस एफ का वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो व्हाट विल बी न्यूमेरिकल वैल्यू? एफ डैश इक्वल टू 16 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। बताओ कितना आएगा आंसर? 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई किए, 24 न्यूटन। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया न्यू फोर्स का वैल्यू। कितना है बताओ तुम? एफ डैश इक्वल टू 24 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, चलो तो अब इसी में नेक्स्ट है, व्हाट विल बी न्यू फोर्स, यानी इसके बाद ये वाले केस में व्हाट विल बी न्यू फोर्स इफ दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसको मैं क्या कर दिया? वाटर में प्लेस कर दिया। एंड व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर? दैट इज 80। मल्टीप्लाई होगा 80। मल्टीप्लाई कैसे होगा? क्या होता है रिलेशन बिटवीन एफ एंड एफ डैश? वेदांश, गुंजन साहू, अरे फॉर्मूला नहीं पता है क्या? एप्सिलॉन का इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन एफ डैश। तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा? एफ अपॉन एप्सिलॉन का डिवाइड होगा ना, यही होता है फॉर्मूला। ओके, तो न्यू फोर्स एफ इक्वल टू 1.5 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन 80 न्यूटन, जो भी आएगा देख लेना। आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, कूलम्स लॉ हमेशा याद रखना है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यही लगेगा। अब चलो देखो इसी में थर्ड पार्ट क्या है, इसको ध्यान से पहले बनाओ, कल बताया था। तो थर्ड पार्ट है, सपोज
a third sphere of same size, यानी थर्ड स्फीयर सी है, सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ ए एंड बी, फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट ऑफ ए, बट सी इज अनचार्ज, सी का चार्ज जीरो है ना, थर्ड बॉडी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ए एंड बी बट विच इज अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट ऑफ ए, ओके, एंड देन इन कॉन्टेक्ट ऑफ बी एंड फाइनली रिमूव, व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, फिर से इसको यही यही पुट कर दिए, आर का वैल्यू सेम रहेगा, 50 सेंटीमीटर ही रहेगा, व्हाट इज द न्यू फोर्स, फॉर्मूला के फॉर्म बताओ, चलो पहले फोर्स है तुम्हारा एफ इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अभी भी हम लोग आर डिस्टेंस पर ही रखे हैं दोनों को, पहले इसमें चार्ज क्यू था, इसमें भी चार्ज क्यू है, व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन ए एंड बी, नहीं तो सी तो अनचार्ज है ना, चलो ये बताओ जब सी को ए के कॉन्टेक्ट में किए फिर रिमूव किए, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए, सर हाफ हो जाएगा क्यू बाई टू, ओके सी पर कितना है, क्यू बाई टू हो गया सर, ये भी क्यू बाई टू हो जाएगा, ओके अब ये सी को बी के कॉन्टेक्ट में ले आए, बी में चार्ज है तुम्हारा क्यू, फिर रिमूव किए, व्हाट इज द चार्ज ऑन बी एंड सी बताओ तो, सर बी का फिर से हाफ होके सी के पास जाएगा, नहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, व्हाट विल बी चार्ज ऑन बी एंड सी, बी में क्यू था सी में क्यू बाई टू था, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, दोनों में इक्वल इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल इक्वल कितना आएगा सर, 9.75 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7, अरे वो छोड़ अभी चार बता, q by 2 कैसे आएगा, तेरे पास 100 रुपया है, तेरे दोस्त पर 50 रुपया है, दोनों को मिला दिए 150 हो गया, फिर बांट दिए कितना कितना आएगा, हाँ क्यू प्लस क्यू बाई टू वही होगा ना भाई, 100 रुपया तेरे पास है, दूसरे पास 50 रुपीज है, पहले मिक्स कर दिए फिर बांटो तो 75 75 आएगा ना, तो दोनों के सम का हाफ करना है, तो ये दोनों के सम का हाफ कितना कितना होगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू कितना होगा, पहले ये दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा, 3q/2 होगा ना, अब इसमें भी इसका हाफ गया इसका हाफ गया, तो 3q/2 का हाफ कितना होगा, 3q/4, इधर भी 3q/4, तो b पर चार्ज कितना आया, 3q/4, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक, अब ये दोनों के बीच फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ अप्लाई करो, न्यू फोर्स इसको एफ डैश कर दो, एफ डैश पहले ले चुके हैं, चलो इसको F1 कर दो, न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, K का वैल्यू K है, Q1 का वैल्यू Q/2 हो गया, Q2 का वैल्यू 3Q/4 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, तो F1 इक्वल टू हो गया 3/8 K Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना है F है, तो F डैश इक्वल टू 3/8 F, और जो F का वैल्यू था 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 वो पुट कर दोगे, समझ में आया, यस सर, ओके बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन,
चलो ये क्वेश्चन है, सपोज देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू कनेक्टेड टू इंसुलेटिंग थ्रेड, दोनों को एक इंसुलेटिंग थ्रेड से कनेक्ट कर दिए एंड दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, दोनों को एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिए ऐसे, ये फर्स्ट चार्ज था प्लस क्यू, ये सेकेंड चार्ज था प्लस क्यू, समझ में आया? ये दोनों चिपकेगा क्या? रिपल करेगा तो कभी भी ज्वाइंट नहीं होगा। तो सपोज ये एंगल थीटा हो गया, एक थीटा एंगल पे सेट हो जाएगा। नाउ व्हेन वी कीप दिस चार्जेस इन स्पेस, अब मैं स्पेस में ले जाए दोनों चार्ज को, व्हाट विल बी एंगल थीटा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एकदम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा 180? सर ग्रेविटेशन नहीं लगेगा इसलिए पूरा ऊपर उठ जाएगा। अभी देखो, अभी एंगल थीटा है तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg और इधर लग रहा है कूलम फोर्स f, बट स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जीरो, यानी डाउनवर्ड कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो उस केस में जो चार्ज है उसके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके ठीक है, अब देखो, अब इसी में क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाओ। द क्वेश्चन इज टू चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट इन एयर और वैक्यूम एंड दे मेक एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। बाहर में क्या है? एयर है या वैक्यूम है? ओके, उसको सस्पेंड कर दिए, कितना एंगल बन रहा है वर्टिकल से? थीटा एंगल बन रहा है। ओके, अब इसी चार्ज को मैं क्या किया कि मीडियम में ले गया, किसी लिक्विड में, सपोज ये लिक्विड के अंदर है, चार्ज वही है, क्यू है, ये भी क्यू है, और मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अभी भी एंगल कितना है? थीटा है, यानी देयर इज नो चेंज इन द एंगल। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस मीडियम? ओके, व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दिस मीडियम? क्लियर हुआ क्वेश्चन? कि फर्स्ट केस में दीज टू चार्जेस सस्पेंडेड इन एयर और वैक्यूम एंड दे मेक एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन, बताओ तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे के तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? इसका वेट लगेगा W, W वेट लग रहा है डाउनवर्ड, तो ये वेट इसको नीचे ला रहा है। अच्छा, इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम फोर्स F। ओके, और ये एंगल बन रहा है थीटा, यानी ऐसा एक ट्रायंगल बना दो, इस ट्रायंगल में अपने को डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट पता है और इधर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा एक यहां पर एक अलग से चलो ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, इधर है वेट W, इधर है फोर्स F, और ये ऐसा रिजल्टेंट फोर्स है, इधर F है, ये एंगल है थीटा, ये वाला है W, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर में क्या है फोर्स F अपॉन वेट में क्या है W, इक्वेशन नंबर वन। समझ में आया ये कि नहीं आया, यस और नो? देख इधर तो वेट लग रहा था ना और इधर फोर्स लग रहा था, तो वेट और फोर्स का रिजल्टेंट किधर है, इधर है ऐसा, और ये रिजल्टेंट है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी फोर्स एफ अपॉन बेस वेट डब्ल्यू, एफ अपॉन डब्ल्यू हो गया। एफ क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम, और वेट क्या है, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ चार्ज इन एयर और वैक्यूम। अब देखो अब क्या किए, इस चार्ज को हम लोग डिप कर दिए वाटर में, तो वेट चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir, होगा वेट, तो वो वेट हो गया सपोज डब्ल्यू एम कर दिए, वेट इन मीडियम, मीडियम क्या है, लिक्विड है, फोर्स भी चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. फोर्स भी चेंज होगा, पढ़े हैं ना लोग वन अपॉन एप्सिलॉन, तो ये एफएम, एफएम यानी फोर्स इन मीडियम, अभी भी वैसे ही ट्रायंगल बना, एंगल थीटा है, तो यहां भी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफएम अपॉन डब्ल्यूएम, इक्वेशन नंबर टू। ये किसमें है, इन फ्री स्पेस, और ये किसमें था, इन मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ इतना? अब ये दोनों एंगल सेम है यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगा, इसका मतलब एफ अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एम अपॉन डब्ल्यू एम। डब्ल्यू एम क्या है, वेट ऑफ चार्ज इन मीडियम, और एफ एम क्या है, फोर्स इन द मीडियम। ओके, अब ये इसको ऐसा लिख सकते हो W अपॉन डब्ल्यू एम इक्वल टू F अपॉन एफ एम, या F डैश जो लिखे थे यानी फोर्स रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर और वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है, विच फिजिकल क्वांटिटी? पढ़े थे ना हम लोग कि पहले क्या किए, चार्ज को एयर या वैक्यूम में रखे, फोर्स काउंट किए, फिर चार्ज को मीडियम में रखे, फोर्स काउंट किए, दोनों का रेशियो क्या बताता है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी को, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके वेरी गुड, तो ये तुम्हारा होता है एप्सिलॉन आर, तो अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम से निकाल सकते हो। W क्या है, वेट इन एयर और वैक्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी होता है ना वेट का फॉर्मूला, और WM क्या होगा, मीडियम में क्या होता है, जैसे तू अगर पानी में कूद गया तो तेरा वेट कितना कम होगा, जितना वाटर बाहर आएगा, हाँ, यानी ओरिजिनल वेट क्या था तेरा, वी डी जी था, और बाद में कितना पानी बाहर आ गया, वी डी एम जी। डी एम क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डेरिवेशन है, बट देखो ये सब वी डी जी कट जाएगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या आएगा, डी अपॉन डी माइनस डी एम। तो अगर अपने को ओनली डेंसिटी ऑफ मीडियम पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहां से थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम हो गया,
डब्ल्यू यानी वेट, वेट यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। डब्ल्यूएम यानी वेट इन मीडियम, कितना होता है मीडियम में वेट। किसी भी मीडियम को वाटर में डिप करोगे, जितना वाटर बाहर आएगा उसके वेट को माइनस कर दो, तो ये टू है, तेरा वेट हो गया VDG, इतना पानी बाहर आ गया तो वेट ऑफ वाटर हो गया VDNG, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो सब ये V कैंसिल हो गया, क्या आ गया एप्सिलॉन का R इक्वल टू D अपॉन DN। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला इस पे ना IIT में क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो सीधा ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना। डेंसिटी गिवन रहता है बॉडी का और मीडियम का, पूछता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इतना डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, इसको सीधा याद कर लेना एप्सिलॉन का R इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस डीएम। ठीक है, नीट और जेई में कई बार पूछा है इस पे क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, तो अभी इतना रहने देते हैं।